के बदनाम इसके चादर चाक चाक करने वाले बदमाशों ने उसे अपने बेहयाई और दहशत के पानी से सैराब किया। औरत आजाद पैदा हुई है, आजाद उसका हक है और वह लिहाज से मर्दों के बराबर है। औरत को यह नारा कुछ गुण महसूस हुआ और उसने उससे लपक कर इस तरह कबूल किया गोया उससे फिर 10 गुलदस्ता मिल गई हो। और आहिस्ता आहिस्ता मुआशरते समाजी तहजीबी उमूर में मर्द की शरीक बनती चली गई। मगरबी तहजीब में अंधे तकलीद अपने आला व अरफा को अपने आला व अरफा फराइज को भूल गए और अपने इस्लामी तकद्दस को फरामोश कर दिया। आज वह अल्लाह ताला के फरमान अर रिजालु कवामून अलन निसा बिमा फज्जलल्लाहु बाज़हुम अला बाज़िन व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَافِظَ اللَّهُ سورہ نساء آیت نمبر 34 کو بلائے طاق رکھ چکے ہیں جس کی وجہ سے گھر سے باہر قدم نکلتے ہی وہ تنزل کا شکار ہو گئی، اس کی عزت بڑھنے کے بجائے کم ہو گئی۔ اسلام نے عورت کو گھر کا ملکہ بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ کرنا بھی بیوت کنہ سورہ عجب آیت نمبر 33 उसकी जिंदगी का लाजिम जिस करार देकर उसे समय खाना बनाया था, लेकिन उसने नए तर्ज तालीम को कबूल करते हुए मौसते जिम्मेदारियों को अपने गले लगाया और समय खाना के बजाय समय महफिल बन गई, जिसकी वजह से वह जुल्म सितम के चक्की में माजी की तरफ पीसे जाने लगी। लेकिन उस चक्की में पीसने की वो तरक्की तस्वर करते हुए सादा है। इसी तरह की खवातीन को यही तर्ज देख कर दिल खून के आंसू रहता है और यह कहने पर मजबूर हो जाती है कि वो अंधेरे ही भले थे कि कदम रह पर थे, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम रह पर थे, रोशनी ले आई है तो मंजिल से बहुत दूर हमें। और